राजपाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिस्मिल्ला नगर से एक गोवंश कार्रवाई का मामला उजागर हुआ है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर जिंदा गोवंश समेत गोमांस बरामद किया है और दो आरोपी हिरासत में है तो कुछ फरार है। दरअसल आज सुबह 8:30 बजे पाचपौली पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पाचपौली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिस्मिल्ला नगर में गोमांस की बिक्री चल रही है, जिसके संज्ञान पर पुलिस ने 46 वर्षीय इरशाद अहमद ताजनगर निवासी एवं वसीम कुरेशी उम्र 32 वर्ष टेका निवासी को हिरासत में लिया है, जिनके पास से 12 गोवंश जिसमे 3 बछड़े जीवित तो 5 गाय के सर और 100 किलो गोमांस, 4 दुपहिया वाहन समेत तकरीबन 4.5 लाख का मोतीमाल जब्त किया गया है। गौरतलब है कि गोमांस का अवैध व्यापार इस जगह कई दिनों से चल रहा था, जहां मुख्य आरोपियों समेत कई कुख्यात शामिल है जिनकी खोज पुलिस कर रही है। तो वहीं यह गोमांस किस उद्देश्य से लाया गया था, किसी समारोह के लिए या किसी के निजी पार्टी के लिए आदि पहलुओं पर पुलिस जाँच करी है, जिसकी जानकारी दी सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश डोंगरे ने। आज तारीख 23/12/2023 सकाळी माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साहेब श्री वैभव जाधव साहेब यांना पोलिसांना गुप्त बातमीदारद्वारे माहिती मिळाली की टेका चिरागली चौक या परिसरात काही गायी अवैध कत्तल खाण्यासाठी आणलेली आहेत। साहेबांनी आम्हाला डायरेक्शन दिले, माझ्यासोबत API श्री सोनोने साहेब, मी PSI राजेश डोंगरे, PSI रहमत शेख, हेड कॉन्स्टेबल दिलीप पवार आणि त्यांची पार्टी, हेड कॉन्स्टेबल ज्ञानेश्वर आणि त्यांची पार्टी असे आम्ही घटनास्थळी पंचांसमक्ष पोहोचलो। सदर ठिकाणी एक कायदेशीर रेड केली, त्या रेडमध्ये आम्हाला एकूण 12 गायी मिळून आल्या। त्या 12 गायीमध्ये 9 गायी आहेत आणि 3 बछडे आहेत आणि 5 कापलेल्या गायीचे फक्त मुंडके मिळून आलेले आहेत। एकूण मुद्देमाल जवळपास 5.5 लाख रुपयाचा आहे। आरोपी सध्या 2 आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत, आणखी 3-4 आरोपी असू शकतात, तपास सुरू आहे। आरोपींचे रेकॉर्ड काय ते पडताळणी करणं सुरू आहे। एका गुन्ह्यात एक इरफान कुरेशी नावाचा आरोपी आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।